हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी चल रही है, बट मैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ खास, यानी टी टाइम के समय जो स्नैक्स लिए जाते हैं ना, वो वाली रेसिपी। तो वीडियो करते हैं। ब्रेकफास्ट बन चुका है, सब्जी बन चुकी है, रोटी बन चुकी है और अब मैं फ्री हूँ तो मॉर्निंग स्नैक बनाऊंगी, यानी कि मठरी। तो कैसे बनाते हैं वो देखना आप मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं। आइए, रक्षाबंधन में अधिकतर लोग, स्त्री लोग मिठाई ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग होता है। तो यहाँ मैं बनाऊंगी नमकीन, यानी स्वीट्स चीज़ नहीं, सॉल्टी चीज़ बनाऊंगी इस रक्षाबंधन पर। और तो वो क्या है वो मैं बता चुकी हूँ, वो मठरी है और वो हमारे घर में सबको पसंद है, तो इसीलिए मैं वो बना रही हूँ। क्योंकि मीठा ना खाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, वो रीज़न ये है कि जो मेरे ससुर जी हैं उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, बट अब नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, हर चीज़ अवॉइड करते हैं, जिसमें भी शुगर से रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं तभी उनका जो शुगर लेवल है बिल्कुल मेंटेन है, बैलेंस है, बट स्टिल वो अवॉइड करते हैं इस चीज़ों को। तो मठरी बनाने के लिए मैं सबसे पहले मैदा निकाल लेती हूँ अपने यहाँ पे। इसलिए मैदा मैंने निकाल लिया है तो मैं इसको खाली कर लेती हूँ। अंदर में ज़रूरी नहीं है कि मीठा ही खाया जाए, नमकीन भी खा सकते हैं। और मीठे में मैं सोच रही हूँ कि बेसन की बर्फी बनाऊँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो मैं बेसन तो यहाँ मैंने मैदा में नमक और थोड़ा खाने पीने वाला सोडा मिला दिया है। अब मैं मिलाऊँगी इसमें थोड़ा सा ऑयल। एक्चुअली इसके लिए डब्बा नहीं है, तभी देखती हूँ इसे कहाँ पे रखना है, क्योंकि रिफाइंड तेल ना हम लोग यूज़ करते नहीं है ज़्यादा। ये मैंने स्पेशल मठरी बनाने के लिए ही मंगाया है, तो मैंने घर में हमारे पास एक ही सीसी है जिसमें मस्टर्ड ऑयल रहता है, तो इसके लिए देखती हूँ क्या करती हूँ। एक्चुअली मैं बताना भूल गई अपने हस्बैंड को कि वो ले आए डब्बे वाला जो रिफाइंड में आता है ना, भूल गए, सीजो मतलब बोतल में आती है वो, ये वाला लिया है पाउच वाला। ये मैंने थोड़ा कस्तूरी मेथी तला माल डाल रही हूँ इसमें। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दूंगी, ये भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर करके डाल रही हूँ मैं, और फिर इसको मैं यूं कर दूंगी, तो अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं तेल के साथ, अभी हमें पानी नहीं रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैदे को ऐसे कर लिया है, आप देख सकते हो एक अच्छा सा बाइंड बन रहा है। तो जब आटे में अगर ऐसा बन रहा है तो यानी बिल्कुल परफेक्ट है आपका ऑयल आपके मैदे में। तो अब मैं इसको गूंदूंगी, ना ज़्यादा टाइट ना ही ज़्यादा स्मूथ गूंदना है, इसको बिल्कुल हमें मीडियम में गूंदना है। पानी में गूंदूंगी मैं अभी इसको, ठीक है। इसे अब गूंद लेते हैं पानी डाल के, थोड़ा ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा स्मूथ। देखिए ये अच्छे से गूंद चुका है, अब मैं इसको ढक के रख दूंगी थोड़ी देर तक। तो जब तक मैदा मेरा सॉफ्ट होता है तब तक मैंने यहाँ पे कपड़े रखे थे भिगा लगा मशीन पे धोने के लिए, तो मैं उसी को अब ड्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे काव्या अपनी दादी का फ़ोन लेके घूम रही है, नया नया फ़ोन आया है उनकी दादी का, तो बहुत हैप्पी है और वो कह रही कि फ़ोन मैं लूँगी। यहाँ फिर मैं अब मठरी बना रही हूँ। आटा बहुत सॉफ्ट हो चुका था, तो देखिए पूड़ी जैसा बनाना है, लेकिन इसमें छेद कर देना है ताकि जब हम इसे तेल में डालें तो पूड़ी जैसा फूले नहीं। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है और तेल कह रही है मेरे को, मेरे पे डालो पूड़ियाँ, तो मैं डाल रही हूँ ये मठरी। तो मठरी बनेगी बहुत ही टेस्टी, यम्मी, कुरकुरी बनी थी,
और देखिए फ्रेंड्स, अभी ये बन चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे, तो बिल्कुल मार्केट जैसी दिख रही है और खाने में भी है मार्केट जैसी ही। तो ये फ्राइड हो चुकी है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सो मट्ठी हो गई है तैयार और गर्मी बहुत थी तो मैं नहा कर आ रही थी और इसीलिए ड्रेस चेंज कर ली है। तो रक्षाबंधन की वीडियो वो तो परसों में आएगी, लेकिन ये कल वीडियो कल अपलोड होगी यानी रक्षाबंधन के दिन। तो मैंने इसीलिए आपको विश कर दिया है हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और ये मट्ठी सच में बहुत ही यम बनी है, सबको बहुत पसंद भी आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।